दो क्वेश्चन हो रहे हैं आपके सामने एनसीईआरटी के, इनको इंटीग्रेट करना है हमें, इंटीग्रेट करते हैं इनको हम। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये आपको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ तो आपको बिल्कुल साफ साफ कुछ दिख रहा होगा कि किसी एक चीज का डिफरेंशिएशन यहाँ मौजूद है, बताइए किसका? साइन इनवर्स का। तो अगर आप इसको टी मानते हैं या यू मानते हैं, तो लेट साइन इनवर्स एक्स को यू मान लीजिए, तो अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे 1/√1 − x²dx, ये आपका डी यू बन जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, ये सब जो है इस सब की जगह आप डी यू लिख सकते हो, ठीक है, और ये आपका यू बन गया। तो दैट मीन्स जो आपका इंटीग्रेशन था, इसको अगर आपने इंटीग्रेशन आई लिया हुआ है, तो ये बन जाता आपका डी यू, और इंटू में यू है वही मल्टीप्लाई में, क्योंकि आपने इसको यू माना है ना। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, u²/2 + c, और यू को रिटर्न कर दो, यू की वैल्यू है साइन इनवर्स x²/2 + c, ठीक है, आंसर आ चुका है, हाईलाइट कर दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके अंदर क्या करना है, तो इसके लिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, आई मानते हैं इसी को, ये आपका 2 cos x − 3 sin x, नीचे से 2 कॉमन ले लो भाई, 1/2, अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो ये क्या बन जाता है आपका 3 cos x, और प्लस के 2 sin x। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो आप देख सकते हो, अगर इसको u मानता हूं तो ये आपका डी यू बन जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है। गौर से देखो भाई, अगर ये आपका यू है तो ये जो ऊपर है आपका पूरा का पूरा फंक्शन, ये यू डैश है, ठीक है। तो अगर इसका डायरेक्टली आंसर लिखें तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, एग्जाम में डायरेक्टली नहीं करना है, बट हमें डायरेक्टली अगर मैं बताऊं तो लॉग नीचे वाला आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि आप देख सकते हो 3 cos x का होगा −k 3 sin x, और 2 sin x का होगा 2 cos x। तो लॉग लॉग यानी कि नेचुरल लॉग, नीचे वाला यानी कि 3 cos x + 2 sin x + c। आप अगर क्वेश्चन बड़े लेंदी लेंदी क्वेश्चन आते हैं और उसमें आपको कहीं इस तरह का कोई स्टेप दिखाई देता है, तो उस केस में आप डायरेक्टली कर सकते हो, उसमें अलग से आपको मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली आप दिखा दो ऐसे। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, हाईलाइट कर दीजिए।